तो स्वागत है बिल्कुल एक नए ब्लॉग में, जहां हम लोग पेरंडपल्ली घूमने वाले हैं, जो कि बैंगलोर से मात्र 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो यहां पे अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन भाई साहब जो गूगल पे है बिल्कुल ही गलत है। यहां का मैं बोलूँगा कि आप नॉर्मल जो लोकलाइट है उनसे पूछ के आए, काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है। कार से आने की हिम्मत नहीं करे, कार नहीं आ पाएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे व्यू। मैं जाते वक्त यहाँ से जाने का रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि आने समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे व्यू कितना सुंदर है। तो ये बेसिकली वाटरफॉल नहीं है, इसको वाटरफॉल बोला जाता है, पेरंडपल्ली फॉरेस्ट वाटरफॉल, बट ये वाटरफॉल नहीं है, ये डैम है जो कि मैन मेड है। आप देख सकते हो केमिकल जो डिस्चार्ज होता है ना इंडस्ट्री लोग से, वही वाटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे मैंने देखा था पूरा वो वाइट कलर का पफ वगैरह बना हुआ था वाटर पे। तो मे बी यू नो लाइक केमिकल वाटर। मैं रिकमेंड करूँगा स्विमिंग ना करें, अगर आप वाटर के अंदर जाना चाह रहे हो तो थोड़ा मोड़ा पैर वैर जा सकते हैं, लेकिन स्विमिंग वगैरह ना करें, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा शायद, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो कैसा जगह से आए हम लोग। तो ऐसे ऐसे करीबन 8 से 9 किलोमीटर के उससे ज़्यादा का ऑफ रोडिंग है इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिलहाल मैं अपने इस बाइक से यहाँ पर आया हूँ, और अभी हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपको लोकेशन, हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं अभी आगे। तो अगर आप नए हो इस चैनल में, ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ जहाँ पे बहुत लेस पॉपुलर और बहुत सुंदर प्लेसेस है, क्योंकि बैंगलोर में तो ऑलरेडी सारे प्लेसेस ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। तो इस तरह के प्लेसेस आप देख सकते हो, एक भी आदमी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो मेरा फ्रेंड है जिसके साथ मैं आया हूँ, राइट। चलिए मैं आपको वाटरफॉल का दर्शन कराता हूँ। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere. Okay, so अब time हो गया हम लोग का निकलने का, हम लोग वापस बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता जो है पूरा ऑफ रोडिंग से भरा पर है। पहाड़ वहाड़ के ऊपर आपको गाड़ी चला के जानी पड़ती है, अगर आप पैदल भी जा सकते हैं बट बहुत दूर पड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी से ही आए, आप देख सकते हो किस टाइप का रास्ता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ भी पार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि आगे जाना थोड़ा मुश्किल है, आपको अच्छे से ऑफ रोडिंग आना चाहिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा ज़रूर से आप लोकल लाइट से वहाँ पे पूछ के ही आए, उसके बिना ना आए, क्योंकि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। आप रास्ते यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब अभी हम लोग वहाँ पे डैम पे बैठे हुए थे, तो एक बंदा आता है जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर टाइप का ही कपड़ा पहना हुआ था। तो उसने कहा कि अभी यहाँ पर अलाउड नहीं है, जो भी तमिलनाडु के बंदे हैं वो लोग वहाँ पर अलाउड है, बाहर के कोई भी आएंगे उसको आप पहले ऑफिस में जाइए करके ऐसा कुछ बोला। और फिर उन्होंने मेरा बाइक का एक फ़ोटो लेके वो चले गए। अब पता नहीं, देखते आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी जैसे ही बोला उन्होंने, हम लोग फटाक से वहाँ से निकल गए, देखते हैं क्या होता है। हम अभी यहाँ पे रुके हुए थे इस लोकेशन पे, हम लोग इस रास्ते को भी पकड़ के आ रहे थे, और आप देख सकते हो ये रास्ता यहाँ से ऐसे करके, देन ये यहाँ पर ऐसे आएगा। यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा है, तो 2 मिनट रुके हैं यहाँ पर। जो डैम अभी गए थे वहाँ पर दिख रहा होगा आपको,